सच ही है, महाभारत की इन कथाओं में छिपा है दुनिया की हर समस्या का समाधान। सुनते ही धीरे धीरे मिलने लगता है लाभ। यदि आप चाहते हैं गलत विचारों से मन को रोकना, तो ये महाभारत की कथाएं आपके लिए ही है। यदि आपने सिर्फ 2-3 मिनट महाभारत में श्री कृष्ण की ये कथाएं सुन ली, तो आपका जीवन चमत्कारिक तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज बात करते हैं महाभारत सीरीज के इस 6th पार्ट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल और पेज से आज ही जुड़ जाएं। शकुनी महाभारत के उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिसको महाभारत के युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। शकुनी ने अपने षड्यंत्र और कुचाल से अपनी ही बहन के खानदान का अंत करवा दिया। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसा ढांचा तैयार करना चाहते हो वैसा ही आकार उनको दे दो। शकुनी ने बचपन से ही कौरवों में पांडवों के खिलाफ नफरत का बीज बोना आरंभ कर दिया। फिर जब एक दिन वो जहरीला पेड़ बनकर तैयार हुआ, तब उसका कटना तो तय ही था। अधिकतर हम अपने साथ हुए अपमान में अपने बच्चों को शामिल कर लेते हैं, उनके बचपन में कड़वाहट घोल देते हैं। फिर जब आगे चलकर यही कड़वाहट बच्चों का जीवन खराब कर देती है, तब पछताना क्यों? अब पछतावे क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमेशा स्थिति का आकलन ठंडे दिमाग से करो, फैसले तब लो जब उनके भविष्य पर असर का विश्लेषण कर लो। शकुनी मत बनो, अन्यथा अंत विनाशकारी ही होगा। शकुनी कुटिल था, इसलिए उसने पांडवों से छुटकारा पाने के लिए दुर्योधन को उकसाकर वर्णावरण में लाख से बने महल का निर्माण करवाया। मंशा थी कि पांचों पांडव और कुंती जलकर मर जाए, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। पांडवों की जगह भीलिनी और उसके पांचों पुत्रों की मृत्यु हो गई। पांडव न सिर्फ अपनी जान बचाने में सफल हुए बल्कि दुर्योधन को भ्रमित भी कर सके। यह संभव हुआ उनके सतर्क रहने और परिस्थितियों का विश्लेषण करके आगे बढ़ने से। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जब सच्चाई और फरेब में अंतर करना कठिन हो जाता है। ऐसे में अगर चौकन्ने रहकर आसपास की चीजों का विश्लेषण करें, तो परिस्थितियों के विकराल बनने से पहले ही आप सतर्क हो जाएंगे और उचित निर्णय ले पाएंगे। अगर वक्त से लड़कर अपना नसीब बदलना है, तो खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने का हौसला रखो। वक्त तो हर पल बदलता है, पर अगर इरादे बुलंद हैं और नजरिया सतर्क, तो आपकी किस्मत नहीं मोहताज आपके हाथों की लकीरों की। दोस्तों, शकुनी कुटिल तो था, पर आपका क्या कहना है? उसने जो पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया, उसके बारे में हम सबको अपने विचार निसंकोच कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाक्षाग्रह से बच निकलने के बाद जब पांडव जंगल में भटक रहे थे, तब हिडिंबा नाम की राक्षसी से भीम का विवाह हुआ और आगे चलकर इन दोनों के पुत्र घटोत्कच की कर्ण द्वारा मोघ अस्त्र चलाने से मृत्यु तो हो गई, पर कर्ण को अपने उस अस्त्र से हाथ धोना पड़ा जो उसने अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा था। अगर जीवन में कभी ये सोचो कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ, तब उस पल में अपना आत्मविश्वास कभी डगमगाने मत देना, क्योंकि ये विश्वास का ही धागा है जो हर आंधी हर तूफान से लड़ने की शक्ति देता है। भले ही हिडिंबा महाभारत की भुला देने वाली रानी हो सकती है, पर वो हमेशा इस महाकाव्य की अभिन्न अंग रहेगी, क्योंकि उसने अपने पुत्र को डर का सामना करना सिखाया था। वह अपने सामने आई चुनौतियों से घबराई नहीं, इसलिए उसका और उसके पुत्र का नाम इतिहास में अंकित है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो मुश्किलों से घबराओ नहीं। मत भूलो कि रात के बाद सूरज बड़ा ही लुभावना होता है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को अपने भतीजे शिशुपाल के जन्म के समय वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 पाप माफ कर देंगे। उन्होंने माफ भी किए, क्योंकि वे शिशुपाल को अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहे थे। अक्सर हम किसी कार्य को पूरा करने का वादा तो कर देते हैं, पर किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, जिससे नुकसान हमारी मान और प्रतिष्ठा का तो होता ही है, पर साथ में लोगों का विश्वास भी हमारे ऊपर से उठ जाता है। वचन देना भले ही मनुष्य की प्रवृत्ति हो सकती है, पर वचन निभाना एक साधना है जिसे बिना दृढ़ संकल्प और सकारात्मक नजरिए के साधा नहीं जा सकता। हम कितने वचन के पक्के हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हैरानी की बात है कि दोनों ही दिखाई नहीं देते, इसलिए अगर वादा करो तो उसे खुद की अंतरात्मा के लिए निभाओ। दोस्तों, जब आपको कोई अपशब्द बोलता है, तो आप क्या करते हैं? आपके मन में क्या विचार आते हैं और आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? हम सबको अपने विचार कमेंट बॉक्स में निसंकोच और सच सच बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के ऐसे विचारों से ही सीखते हैं। तो दोस्तों, यह थी वो इंस्पिरेशनल कथाएं महाभारत की। मैं उम्मीद करता हूं ये कथाएं आपके जीवन में बहुत काम आएगी। महाभारत के अगले सीरीज के 7th पार्ट में हम जानेंगे क्या हुआ द्रौपदी के साथ जब पांचों पांडवों का विवाह उसके साथ हुआ। और हाँ, इन रोचक और जीवन बदल देने वाली महाभारत की कृष्ण कथाओं को औरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे उनका जीवन भी रूपांतरित हो सके और उनकी मदद हो सके। चलिए 7th सीरीज में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।